नरेंद्र मोदी कुनो के अंदर नेशनल पार्क में उन चीतों को छोड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कुनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको जानकारी दे रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है। जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर में 3 चीतों को कुनो पार्क में छोड़ेंगे। हेलीकॉप्टर से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जानकारी उस वक्त की ताजा दे रहे हैं। साथ ही साथ इन तस्वीरों को आप देखिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब की तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया है और 3 चीतों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कहिए कि कुछ देर बाद, उद्यान के अंदर छोड़ते हुए नजर आएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये औपचारिक तौर पर किया जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के मौके पर ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल 1948 के बाद जिस तरीके से विलुप्त हो गए थे चीते, लेकिन अब 74 साल बाद एक बार फिर से चीते भारत के अंदर कदम रख रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं, जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्वालियर पहुंचा गया था, तब उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया और ये स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री जो कि वो मध्य प्रदेश के हैं नरोत्तम मिश्रा साहब, उनकी मौजूदगी आप खास तौर पर देख पा रहे होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि हम बात करें अगर उन चीतों को लेकर, तो चीतों को लेकर काफी उत्साहित है मध्य प्रदेश के लोग। और ये कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है नेशनल पार्क के अंदर, उन चीतों मित्रों को भी वहां पर रखा गया है, क्योंकि 90 गांव के लोगों को चुना गया और 90 गांव के लोग इनका संरक्षण करेंगे। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। स्पेशल प्लेन से भारत आया है ये प्लेन, जब स्पेशल प्लेन से हम देख रहे हैं कि 8 चीतों को भारत लाया गया ग्वालियर। तकरीबन सुबह 6 बजे ये 8 चीते पहुंच चुके थे ग्वालियर एयरपोर्ट पर। जब लैंडिंग हुई तो किस तरीके से उतारा गया है इन 8 चीतों को, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से स्वागत किया गया है इन चीतों का, लेकिन हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचे हैं ये 8 चीते, यानी चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो भी पहुंच गए हैं। अब कुछ देर के अंदर नेशनल पार्क के अंदर होंगे, कूनो पार्क के अंदर होंगे ये 8 चीते। फिलहाल 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब से 6 बजे से ये चीते आए हैं, तो इस वक्त लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थोड़ी देर में नजर आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को खास तौर पर छोड़ते हुए नेशनल पार्क के अंदर नजर आएंगी, क्योंकि 8 चीते हैं जिनमें से 5 मादा और 3 नर हैं। नेशनल पार्क के अंदर इन चीतों को छोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थोड़ी देर में नजर आएगी। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की ताजी जानकारी, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं कुनो के बाद, क्योंकि थोड़ी देर में कुनो से तस्वीरें नजर आने लगेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जेके 24/7 न्यूज आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10:45 पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो उनका भव्य स्वागत किया गया था और वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन 11:15 पर, यानी कुछ देर बाद, कुछ मिनट बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को छोड़ते हुए उद्यान के अंदर नजर आएंगे। हालांकि नामीबिया से जब 5 मादा और 3 नर चीते आए हैं, तो उनका भव्य स्वागत ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी किया गया है। सुबह 6 बजे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब स्पेशल प्लेन से भारत ये चीते आए थे। हालांकि प्रोजेक्ट चीते के तहत दुनिया के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में से एक ये प्रोजेक्ट चीता रहा है और प्रोजेक्ट चीता के तहत ही इन चीतों को भारत के अंदर लाया गया है। 8 चीते, आपको खबर इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं, क्योंकि चीतों के भारत में वापस आने से घास के मैदानी इलाकों और खुले जंगल में पारिस्थितिक संतुलन बनाने में मदद मिलेगी, ये कहा गया है प्रोजेक्ट चीता के तहत। वहीं ये जैव विविधता को भी बरकरार रखेगा, ये भी प्रोजेक्ट चीता के तहत जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके की तस्वीरें आज सुबह से लेकर अभी तक नजर आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थोड़ी देर के अंदर नजर आएगी और वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हैं। ऐतिहासिक दिन है आज, जब इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज हो जाएगा। फिलहाल ये चिनूक हेलीकॉप्टर हम आपको दिखा रहे हैं, जब चिनूक पहुंचा
कूनो पार्क में, और कूनो पार्क के अंदर अब इन्हें छोड़ा जाएगा। 8 चीतों की तस्वीर थोड़ी देर में नजर आएगी, जिनमें से 3 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यान के अंदर छोड़ेंगे और पिंजरे से बाहर वो निकलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको बैक टू बैक तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आ रही हैं और उन तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उस वक्त की, हेलीकॉप्टर से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हैं और इन ताजा तस्वीरों को जीके 24/7 न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर बात करें तो वहां पर कम लोगों की मौजूदगी होगी, लेकिन आसपास 90 गांव से लोगों को बुलाया गया है कि ये 90 गांव के लोग इन चीतों का संरक्षण करते हुए नजर आएंगे। 457 लोग हैं जिन्हें चीता मित्र का नाम भी दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम कई हैं, कूनो के बाद कराहल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और कराहल के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। जिस तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी मोदी का श्योपुर जिले के कराहल में है और एक अच्छा संदेश देंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये 8 चीते आ गए हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने कि अब ये कूनो पार्क के अंदर पहुंच चुके हैं चीते। 8 चीते हैं, 5 मादा हैं, 3 नर चीते हैं और इस वक्त की ये तस्वीर जेके 24/7 न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, क्योंकि इन्हीं चीतों को नेशनल पार्क के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि नामीबिया से 8 चीते आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूनो पार्क पहुंच गए हैं। ऐतिहासिक दिन, इतिहास के पन्नों में आज दर्ज हो जाएगा दिन आज का, क्योंकि आज की तारीख 17, जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस होता है और जन्मदिवस के अवसर पर खासतौर पर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से हमने देखा कि आज कैसे 8 चीते भारत की सरजमी पर आ गए हैं, जो कि 1947-48 के बीच विलुप्त की कगार पर पहुंचे और 1952 के आसपास उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसके बाद कई कार्यक्रम हैं, लेकिन वो वही चीते हैं जिन्हें लाया गया है। पहले ग्वालियर एयरपोर्ट के अंदर हमने इन तस्वीरों को देखा और इसके बाद कूनो नेशनल पार्क के अंदर इन चीतों की तस्वीर नजर आएगी। लाल पिंजरे के अंदर इस वक्त चीतों को रखा गया है, लेकिन इसकी बाड़ों से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें निकालेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल पार्क के अंदर, कूनो नेशनल पार्क के अंदर ये नजर आएंगे 8 चीते, जो चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं, जिसको लेकर इस वक्त उत्साह लोगों में बरकरार है। वन्य जीवों को खास तौर पर बढ़ाना, उनका संरक्षण करना एक उद्देश्य मनाया गया है सरकार की तरफ से और सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत एक अच्छी पहल की है और कहा जाता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आने वाले समय में और भी काम किया जाएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताजी जानकारी हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं किस तरीके से नेशनल पार्क में इस वक्त चीते पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थोड़ी देर में आपको नजर आएगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के अंदर नजर आएंगे और इन चीतों को खास तौर पर नेशनल पार्क के अंदर छोड़ेंगे।